हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टाइटल रहने वाला है वो नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री भारत में तुरंत बैन क्यों कर दी गई। आज का एक छोटा सा वीडियो क्लिप होने वाला है, हम उसी को देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया। यानी भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देख सकता। क्या लगता है, बात इतनी सी है? नहीं, बात इतनी सी नहीं है, तो फिर कितनी से है, आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगी कि क्यों भारत की सरकार को नरेंद्र मोदी जी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को बैन करना पड़ा। कैमरा फ्रेंडली नरेंद्र मोदी जी इस डॉक्यूमेंट्री में अपनी तस्वीर क्यों देखना नहीं चाहते? क्यों एक तरफ शाहरुख खान अपनी पिक्चर का बॉयकॉट रोक रहे हैं, और क्यों भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का बॉयकॉट कर रही है, बैन कर रही है? दोस्तों, इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको तीन चीजें पहले समझनी होगी। पहला है डॉक्यूमेंट्री, दूसरा है बीबीसी, तीसरा है 2002 गुजरात दंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, इसका मतलब आपको जानना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी फिल्म है जो डॉक्यूमेंटेशंस पर आधारित होती है, यानी विद प्रूफ होती है, विद फैक्ट्स होती है, सच्ची बात दिखती है, जो भी होती है डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जाती है। डॉक्यूमेंट्री दोस्तों कभी भी काल्पनिक नहीं होती है। डॉक्यूमेंट्री में जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, उसका सत्य होना अनिवार्यतम शर्त है। अब बीबीसी का इसमें क्या रोल है, आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों चरण वंदना के इस दौर में बीबीसी नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए रीड लिए घूम रहा है? दोस्तों, बीबीसी का मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यानी ऐसा मीडिया जो भारत सरकार के अधीन नहीं है। यानी ना तो भारत की सरकार इसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, और ना तो बिना भारत सरकार के ऐड के बीबीसी बंद हो जाएगा, यानी टोटल स्वतंत्र, फ्री। अब बात तीसरे पहलू की करते हैं, यानी 2002 वाले गुजरात दंगों की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतीत में अगर आप जाएंगे तो 3 बार गुजरात राज्य का उन्हें मुख्यमंत्री पाएंगे, और जब आप नरेंद्र मोदी जी के अतीत में जाएंगे तो साल 2002 में भी पहुंच जाएंगे, और जब आप साल 2002 में पहुंच जाएंगे तो गुजरात दंगों के घाव भी आपको नजर आ जाएंगे। इसी पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम रखा है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के बारे में बताया गया है। गुजरात दंगों को लेकर के आम लोगों की क्या राय है वो अलग बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या राय थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। जो हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि भारत का कानून क्या कहता है। भारत का कानून कहता है कि 2002 के दंगों के लिए तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल कतई जिम्मेदार नहीं है। कानून की नजर में इतना है कि जब गुजरात में दंगे हुए तो नरेंद्र मोदी का दोष सिर्फ इतना था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का दंगों से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए भारत की सरकार का कहना है कि गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ एक तरह का प्रोपेगेंडा है। डॉक्यूमेंट्री के पीछे कोई एजेंडा है, यह निष्पक्ष बिल्कुल नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक दुष्प्रचार है। वो और बात है कि साल 2005 में अमेरिका ने इसी चक्कर में नरेंद्र मोदी जी के वीजा तक पर बैन लगा दिया था, लेकिन ये विदेशी मीडिया वाले नहीं जानते कि ये 2000 वाला दशक नहीं है, ये तो 2023 चल रहा है। अब पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले लोगों के ट्वीट ब्लॉक करने के आदेश दे दिए थे। जेएनयू को डॉक्यूमेंट्री ना देखने की चेतावनी दी थी। कुछ जिज्ञासु छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री देखनी चाही तो बिजली काट दी गई। बिजली काट दी गई, अघोषित इमरजेंसी, आपातकाल कह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इमरजेंसी तो कांग्रेस के दौर में ही लुप्त हो गई थी। अब पत्रकार स्वतंत्र हैं, मतलब जो भी खिलाफ बोलता है उसे चैनलों से निकलवा कर स्वतंत्र कर दिया जाता है। अब डॉक्यूमेंट्री बनाने दी जाती है, लेकिन केवल देखने नहीं दी जाती। इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने एक एथनिक क्लेंजिंग का जिक्र किया है। एथनिक क्लेंजिंग,
इस जिक्र का मतलब जानते हैं आप? यानी किसी जगह से एक धर्म के लोगों को जबरदस्ती हटाना, जबकि भारत देश का कानून जज वकील कोर्ट कचहरी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, और इसीलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन बैन है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके हमारा बल जरूर बढ़ाइएगा, अपनी प्रज्ञा को @प्रज्ञालाइव नाम से खोज करके फॉलो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है, और ये वीडियो में बताया गया था कि जो अभी बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ है उसको बैन क्यों कर दिया गया है, पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया, इसे कोई देख नहीं सकता है। और डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, तो ये 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित था, इसीलिए हमको लग रहा बैन कर दिया है मोदी ने। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।